हाय गाइस, मेरा नाम है दीपिका। दीपा सॉफ्टवेयर स्कूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ये वाला पू बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। अगर ये वाला पू अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला पू बनाना। मैं यहाँ पर रेड कलर का चाइनीज फर ली हूँ, करीबन 20 cm। उसके बाद वाइट येल्लो कलर का चाइनीज फर, वो भी 20 cm। उसके बाद थ्रेड, आपको मार्किंग के लिए मार्कर चाहिए या फिर चॉक ले सकते हैं। और आइज़ चाहिए, और आइज़ और नोज़ चाहिए। नोज़ आप बनाना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख के बना सकते हैं। फाइबर रूल आपको करीबन 50 ग्राम चाहिए। और उसके बाद पैटर्न आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये वाला ड्रेस का पार्ट है, इतना ड्रेस में यूज होगा। देख लीजिए, ये फ्रंट वाला है और दूसरा बैक वाला। दोनों पार्ट को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, ऊपर का भी स्टिच कीजिएगा। उसके बाद ये वाला हैंड पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक स्टिच कीजिएगा। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली हूँ। आपको अगर फिर भी डाउट हो, मेरा पुराना वाला पू वीडियो है, उस पर मैं डिटेल में दिखाई हूँ, वहाँ जाके भी ज़रूर देख सकते हैं। फिर स्टिच करने के लिए इतना पार्ट चाहिए। और देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क कर रही हूँ। देखिए, यहाँ से ए से बी तक दोनों पार्ट को स्टिच कीजिएगा। यहाँ से पॉइंट वाला पार्ट तक आप स्टिच कीजिएगा। स्टिच आप कहीं पे भी कर सकते हैं, मतलब मशीन हो तो मशीन में कर सकते हैं, अगर मशीन नहीं हो तो हाथ में ऐसे स्टिच कर सकते हैं। पार्ट स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद हम लोग सेंटर वाला हेड करेंगे। ये बैक पोर्शन है और ये फ्रंट पोर्शन है। फ्रंट पोर्शन को कैसे स्टिच करेंगे ये वाला देखिए। बैक पोर्शन से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, पहले टक कर देंगे ताकि पार्ट इधर उधर ना हो। मैंने टक कर लिया। उसके बाद इसको समान रूप से आगे तक खींचते जाइए। देख लीजिए, यहाँ पर जहाँ सेंटर मिलेगा, जैसे सेंटर वाला पार्ट में सेंटर का पोर्शन मार्क कर लिया है, तो आपको पास जो सेंटर वाला पोर्शन निकलेगा वहाँ तक खींच दीजिए।
पार्ट है इसका, इस दोनों पार्ट को कुछ इस तरह रखिएगा। देख लीजिए मैं मार्क भी कर ली हूँ, आप अच्छे से देखिएगा, प्रेस स्टिच कीजिएगा। ये वाला हैंड पार्ट है, फोर पीस कट कीजिएगा कुछ इस तरह रख के, साइड में स्टिच करके और उसको सीधा करके। ये साइड बॉडी है, इसको दोनों पार्ट को कट मत कीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा कट कर लीजिएगा दोनों साइड को मिला के, और यहाँ से यहाँ तक बस थोड़ा सा ही स्टिच कर लीजिएगा। पैटर्न में दिया होगा वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। और आपने जो फ्रंट वाला स्टिच किया था, फ्रंट का दोनों साइड ले, उसको यहाँ पर टक कर लीजिएगा। मैं एक साइड दिखाऊंगी और दोनों साइड आप देख लीजिएगा। देखिए दोनों पार्ट स्टिच करने के बाद, ये बॉडी पार्ट स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, और ये हेड स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अब दोनों को कुछ इस तरह रख के बस इस तरह रख के पूरा गोलाई से स्टिच कर लीजिएगा।